गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का एक परिचय 11th के बच्चों के लिए लाए हैं, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन पता चलेगा। चैप्टर है व्यवसाय एक परिचय, बिजनेस इंट्रोडक्शन के बारे में चलिए हम बात करते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि व्यवसाय क्या है, यानी बिजनेस क्या है, ठीक ना। पहले के समय में केवल वस्तु का खरीद विक्रय ही व्यवसाय कहलाता था, कि वस्तु को खरीदे कहीं बेचे लाभ पर, उसको व्यवसाय कहते थे। आधुनिक समय में क्या होता है कि वस्तु का बीमा, भंडारण, बैंकिंग, स्टोरेज वगैरह जो भी फंक्शन है सब बिजनेस में आता है। आइए व्यवसाय का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन काम लोग करते हैं उसको लोग व्यवसाय समझते हैं। जैसे कुछ काम नाम लेते हैं, जैसे कोई आदमी कोई वस्तु का प्रोडक्शन करता है, नहीं, सम पीपल्स आर बाय इन प्रोडक्टिंग थिंग्स, क्या करता है, प्रोडक्शन थिंग्स का उत्पादन करता है या खरीदता है। कुछ व्यक्ति वस्तुओं का क्रय विक्रय में व्यस्त होते हैं, बिजी टू परचेज एंड सेल। कुछ व्यक्ति जो होता है वकालत करता है, मैं टीचिंग करता हूँ, इस तरह से कोई कारखाने में नौकरी करता है, कोई प्रोफेशन चलाता है, इत्यादि ढंग से वो अपना जीविकोपार्जन के लिए, जीविंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो ये काम जो है आदमी का दो प्रकार के काम होता है मेरे बच्चों, एक का नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा का नाम है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। तो वैसा काम जो करने के बाद धन की प्राप्ति हो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी कहता है कि मनुष्य की वे सभी क्रियाएं जिसका उद्देश्य धन कमाना होता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे वस्तु का क्रय विक्रय करना, वकालत करना, अनुवर्तक का ट्यूशन पढ़ाना वगैरह, ये सारी वर्क क्या है, इकोनॉमिक वर्क है, आर्थिक क्रिया है। इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, अर्न टू मनी। सेकेंड होता है इसको कहते हैं नॉन इकोनॉमिक वर्क, मतलब गैर आर्थिक काम जिसको कहते हैं, या अनार्थिक काम ले लीजिए। वैसा काम जिसका उद्देश्य धन कमाना नहीं बल्कि सेवा प्रदान करना होता है उसे हम लोग गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आर्थिक क्रिया जिसको इकोनॉमिक वर्क कहते हैं वो तीन सोर्सेस से आदमी कमाता है। इनकम टैक्स में हम अलग पढ़ाते हैं, इनकम टैक्स में वीडियो देखिएगा, उसमें अदर सोर्सेस आय का मतलब है। मगर यहाँ जो बिजनेस चूंकि 11th क्लास की वीडियो है तो 11th के रूप में बताते हैं कि तीन काम है, व्यवसाय के द्वारा, प्रोफेशन के द्वारा या रोजगार के द्वारा, एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। तो चलिए इस पर डिस्कशन करेंगे। और फिर से आपको बता दें, आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें या कर चुके हैं तो शेयर जरूर करें अपने ग्रुप में, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, और सब्सक्राइब करवाइए भी आप लोग, ताकि मैं ऑनलाइन पढ़ा सकूँ, आप लोगों को सेवा दे सकूँ। नहीं, मेरा भी काम जो है गैर आर्थिक काम है, करने के बाद पैसे नहीं मिलते, नहीं तो नॉन इकोनॉमिक वर्क है। एक मेरा क्या करेगा, कोचिंग को प्रमोट करेगा ऐड में। चलिए तो पहले क्या करते हैं, हम लोग व्यवसाय के बारे में पढ़ते हैं। व्यवसाय क्या है, तो कहता है व्यवसाय का अर्थ भूत आर्थिक क्रिया से है जो निरंतर आधार पर वस्तु और सेवाओं को उत्पादन और विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए की जाती है। दैट मीन्स इससे क्या समझे, दैट मीन्स दैट टाइप ऑफ वर्क हु इज डूइंग इन कंटिन्यूअसली प्रोसेस टू अर्न द प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। वैसा काम जो निरंतर हो, जैसे आज मैं एक मोबाइल बेच दूं और फिर बैठूं तो क्या मैं मोबाइल का व्यवसाय कहलाऊंगा, तो नहीं। मोबाइल का बिजनेसमैन वही होगा जो लगातार बिजनेस मोबाइल को खरीदेगा और बेचने का काम करेगा, आप समझ गए। चलिए फिर आगे समझिए, इसमें भाड़ा कर वगैरह भी इसी का एक पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है जहाँ से हम लोग इनकम जनरेट करते हैं, उसको कहते हैं पेशा, जिसे होता है प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब पेशा। तो पेशा का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जो एक विशेष ज्ञान एवं कौशल, याद रखिए ज्ञान, नॉलेज एंड स्किल, कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा प्रदान के लिए की जाती है। वकालत, चिकित्सा इत्यादि, अगर आप वकील है, डॉक्टर है इत्यादि है, तो इन क्षेत्र क्या करते हैं, आप इनकम जनरेट करते हैं, यह क्या है आपके लिए, प्रोफेशन है, समझ गए। थर्ड आता है जो कहते हैं रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। रोजगार का मतलब होता है कि जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, अनार्थिक क्रिया कहलाते, सॉरी, रोजगार का अभिप्राय एक विशेष समझौते के अंतर्गत पारिश्रमिक के बदले में दूसरों के लिए काम करते हैं। अगर हम अपना ट्यूशन पढ़ाते हैं घर पे, ये प्रोफेशन है, मगर जैसे हम कॉलेज ज्वाइन करते हैं और वहाँ सरकार के नियमों के अनुसार चलते हैं, जो इंस्ट्रक्शन करती है उसको हम फॉलो करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, रोजगार कहेंगे, तो समझ गए तीनों चीज। आइए, तो व्यवसाय का एक बेसिक डिफिनीसन था।
अब व्यवसाय के बारे में कहता है कि वस्तु के खरीद बिक्री की क्रिया को, तो अब इसका क्षेत्र मतलब थोड़ा सा बढ़ गया है। वस्तु खरीदने के बाद उसके घर तक सेवाएं देना पड़ता है। जैसे आप कोई आदमी कहेगा आपको कि सर मेरा DTS खरीदिए, मेरा आदमी जाके आपके घर पे सेट कर देगा। नहीं, आप मेरे यहाँ से बाइक खरीदिए, 3 सर्विस आपको फ्री देंगे। यानी सेल के बाद भी अपने प्रमोशन और सेल को बढ़ाने के जो क्रियाएँ करते हैं वो तमाम का सेल में ही यानी व्यवसाय का ही एक भाग होगा। जैसे अपने माल का इंश्योरेंस कराना, अपने लिए गोडाउन की व्यवस्था करना, बैंकिंग की व्यवस्था करना, नहीं इत्यादि। यानी कह सकते हैं इससे क्या निकला बात। एक है डॉक्टर WR Sprigel, बहुत फेमस राइटर हैं डॉक्टर WR Sprigel। उन्होंने लिखा है कि वे समस्त क्रियाएँ यानी वे सभी क्रियाएँ जो वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय के लिए किया जाए ना, वो सब व्यवसाय कहलाता है। उत्पादन और विक्रय के लिए कहता ऑल ऑफ द एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज मे बी क्लासिफाइड एज द बिजनेस एक्टिविटीज बाय डॉक्टर WR Sprigel। समझ क्या होइएगा, क्या कहता है, सेल करना या सेल का प्रमोशन करना, ये सारी क्रियाएं व्यवसाय में आती हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बिजनेस की विशेषता क्या है। पहला नंबर, व्यवसाय क्या है, एक आर्थिक क्रिया है। क्या है वो, आर्थिक क्रिया है। अतः व्यवसाय के अंतर्गत केवल आर्थिक क्रियाओं को ही शामिल किया जाता है, यानी इसका ऑब्जेक्ट केवल धन कमाना होगा, ठीक है, दान करना नहीं। वस्तुओं एवं सेवाओं का हस्तांतरण, ये अपने वस्तु का भी हस्ता मैंने कोई थिंग्स भी देता है। कहता है एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेस, मतलब इसका अभिप्राय यह है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं के उपयोग के लिए किसी वस्तु या सेवा का क्रय करता है तो यह किसी क्रिया व्यवसाय नहीं कहलाएगी। जैसे आप एक मोबाइल खरीदते हैं जिसे हम बतियाएंगे अपनी बात करने के लिए, और आपका काम टीचिंग करना है, तो आप क्या वो व्यवसाय नहीं कहलाएगा। मगर वही मोबाइल आप खरीदते हैं जिससे कि आपको बिजनेस को प्रमोट करना है, वीडियो बनाना है, देना है, वगैरह, तो ये व्यवसाय की उसके लिए कहलाएंगे। आगे व्यवहारों में निरंतरता, वास्तव में व्यवसाय उस आर्थिक क्रिया को कहते हैं जो बार बार और कंटिन्यू किया जाए। आपके पास एक साइकिल है, आप आज बेच दिए, वो बिजनेस नहीं है। मतलब आप बराबर खरीद बिक्री का काम करेंगे, वो व्यवसाय के श्रेणी में आएंगे। लाभ का उद्देश्य, व्यवसाय का ऑब्जेक्ट लाभ कमाना होता है और सेवा प्रदान करने के बाद लाभ प्राप्त करना है, परंतु कभी कभी लाभ के स्थान पर हानि भी हो जाता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि व्यवसाय का ऑब्जेक्ट केवल और केवल लाभ कमाना है, हानि हो जाना अस्वाभाविक है। आई जोखिम का तर्क, बिजनेस में रिस्क भी होता है और बिजनेस में रिस्क सबसे ज्यादा होता है। व्यवसाय को मात्र फूलों की चीज नहीं समझना चाहिए, इसके पग पग पर काटे हैं। कितना अच्छा लाइन, पग पग पर काटे हैं, अर्थात समस्याएं उत्पन्न होती हैं और यही बाधाएं हानि का कारण बन जाती है, और एक छोटी सी भूल भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी बिजनेस करो तो रिस्क को कभी मत भूलो, रिस्क को ध्यान में रखो। नहीं, आइए सेकेंड बात है, उपयोगिता का सृजन करना, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। वो क्या करता है कि किसी भी चीज़ का यूजफुल कन्वर्टेड करता है बिजनेस में, वस्तु को समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए व्यवसाय द्वारा उसके विभिन्न प्रकार के उपयोगिता का सृजन किया जाता है। नहीं, रूप रंग बदल के समय उपयोगी बना के देखिएगा, पहले के समय में कपड़ा में, अभी के कपड़े में अंतर, अभी ऐसा डिज़ाइन देता है जिसके द्वारा आप उसको ठंडा में या गर्मी में आप उसको अपने अनुकूल पाते हैं। तो ये क्रिएशन करना भी बिजनेस मैन का ही काम होता है। नहीं पढ़े है ना, बिजनेस मैन इनोवेटर होता है, क्योंकि BST का ही पहला लेसन है आप लोग का, तो धीरे धीरे बताएंगे। EPS में कहता है कि जो बिजनेस मैन होता है ना वो इनोवेटर होता है। इसका हिंदी होता है नव सृजन करता, नहीं नया नया सृजन करता है। अच्छा, उपयोग की दृष्टि को ध्यान में रखता है, तो आप समझ गए बिजनेस की विशेषता। आइए हम बताते हैं आपको दूसरा नंबर पॉइंट, प्रोफेशन यानी पेशा। हम बिहारी का दिखाते हम बताते हैं, दैली वर्ग का लोग क्या कहते हैं, मैं बताता हूँ, तो हम लोग तो प्यार से जीने वाले आदमी ना, इसलिए हम बताते हैं। आइए प्रोफेशन, जिसको हम पेशा कहते हैं, पेशा क्या, एक गाना सुने, पेशा पेशा करती हो पेशे पे क्यों मरती हो, तो ये अलग है। पेशा वह व्यवसाय है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके किसी दूसरे व्यक्ति को निर्देश करता है, मार्गदर्शन करता है या कोई परामर्श देता है, सलाह देता है। यानी प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन पेशा होता है, इन विच वन प्रोफेशन टू हैव एक्वायर
स्पेशलाइज्ड नॉलेज व्हिच इज यूज्ड इंटायर इन द इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन या एडवाइजिंग अदर। ये कौन कहा? व्यवस्थर को कहता है। व्यवस्थर सबकोस के अनुसार है कि यह जो दूसरे को हम लोग सेवा देते हैं, दूसरे को मार्गदर्शन करते हैं, ये सारा काम क्या है? प्रोफेशन है, यानी पेशा। एक बात और समझिए, कोई स्किल्ड आदमी किसी भी माध्यम से दूसरे को जो बिना पूंजी लगाए सेवा देता है ना, वो प्रोफेशन है। इसमें उसका मालिक नहीं होता। जिस तरह से मैंने पीएचडी किया और आपको पढ़ाता हूँ ना, क्लास में आते बच्चों एजुकेशन देता हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है और मेरा मालिक कोई नहीं है। मैं चाहूँ तो कल कोचिंग बंद कर सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो आपका बैच बदल देता हूँ, भैया 9 बजे आते हो ना, कल से 11 बजे आना, आना जाओ नहीं आना जाओ, होता है ना। तो ये प्रोफेशन है, है ना। तो प्रोफेशन क्या होता है? खुद भी बॉस होता है, वो अपनी हानि से वाकिफ होता है। इसलिए हम स्टूडेंट को थोड़ी कहते हैं कि जाना है तो जा भाग यहाँ से, ऐसा नहीं कहेंगे। क्योंकि ऐसा कहेंगे तो आपका प्रोफेशन क्या होगा? कस्टमर भाग जाएगा, ठीक है। तो प्रोफेशन के बारे में याद रखना कि यह क्या है? आर्थिक क्रिया। याद रखना, बिजनेस भी आर्थिक क्रिया है और प्रोफेशन भी क्या है? आर्थिक क्रिया है, जो एक विशेष ज्ञान और कुशलता प्राप्त व्यक्ति समाज के दूसरे या विशेष वर्गों को निष्पक्ष सेवा प्रदान करता है। निष्पक्ष सेवा का मतलब है कि किसी से भेदभाव नहीं करता है। नहीं, हम ब्राह्मण हैं तो ऊपर बैठेंगे, तुम दूसरा आदमी है नीचे बैठो, ऐसा नहीं। हम जो प्रोफेशन में होते हैं, सब मेरे बराबर है, कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं। कोई स्टूडेंट हमारे पास आएगा, किसी भी कास्ट वर्ग का आएगा, सेम नेचर से पढ़ाते हैं, खड़े होते हैं तो सब बराबर है मेरे लिए, ठीक। ऐसा ही विचार करना चाहिए। तो पेशा की क्या विशेषता हुई, आइए इसको जान लेते हैं। विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल इसके लिए चाहिए। कहता है पेशा की पहली विशेषता यह है कि पेशेवर व्यक्ति को विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी चातुर्य चाहिए। एक साधारण व्यक्ति पेशे को नहीं चला सकता है, ठीक ना। यानी साधारण व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले धन लाभ को पेशा नहीं कहा जा सकता है। कोई गेहूँ काटता है तो पेशा थोड़ी है। जिसे कुछ स्किल्ड स्पेशल विशेष फील्ड का हो उसको पेशा कहेंगे। दूसरा, प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिकता है। जो पेशेवर होता है उनको प्रशिक्षण, जैसे हम लोग का वर्क क्लास होता है ना, उस तरह से पेशेवर व्यक्ति को उस फील्ड का वर्कशॉप करनी चाहिए। आगे, आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट। एक पेशे के सदस्य निर्धारित आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। आचार संहिता के अंतर्गत पेशे से संबंधित रूल, ऑनेस्टी, नहीं इन सत्यनिष्ठा, नैतिकता, जो मॉरलिटी कहते हैं, नॉर्म्स, पैमाने, इस सब को फॉलो करना चाहिए। नहीं, जैसे कोचिंग चलाना है तो आपको बाथरूम बनाना होगा, बच्चे को पीने के लिए अच्छे पानी की व्यवस्था करनी होगी, हवा का व्यवस्था करना होगा, पैक रूम में नहीं पढ़ाना है, नहीं वगैरह सारे व्यवस्था, यही है नॉर्म्स हुआ। आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा की भावना। इसमें किसी को चूसने का काम नहीं होता है, यानी आपका उद्देश्य है दूसरे सेवा प्रदान करना और सेवा प्रदान करने के बाद लाभ कमाना। आइए इसको पढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन में, किसे विशेष ज्ञान के आधार पर अर्जित पारिश्रमिक लेकर समाज की सेवा की जाती है। यही कारण है कि पेशेवर लोगों को समाज में सम्मान प्राप्त होता है। नहीं, मास्टर को जल्दी लगाई नहीं देता। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर चिकित्सा के पेशे में आपकी आजीविका चलाता है, लेकिन समाज में उसकी इज्जत भी बहुत होती है। आइए, तो आप प्रोफेशन भी समझ गए और बिजनेस भी समझ गया। तो एक इंट्रोडक्शन हम लोग लेते हैं रोजगार को, जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो रोजगार समझते हैं ना, किसी के यहाँ कोई आदमी जाके काम करता है और उस काम के बदले में क्या मिलता है? पेमेंट मिलता है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा उसके लिए? बोलिए, रोजगार कहलाएगा। जैसे मजदूरी होता है ना, रोजगार वह आर्थिक क्रिया जिसके अंतर्गत लोग दूसरों के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? दूसरों के लिए काम करते हैं, तथा उसके फलस्वरूप उनको क्या मिलता है? मेहनताना मिलता है, रेमुनेशन मिलता है, जो सैलरी के रूप में होता है या वेजेज के रूप में होता है। यह काम अस्थाई या टेम्पोररी भी हो सकता है। अस्थाई मतलब रेगुलरली महीना, जैसे रेलवे कर्मचारी किसका नौकर है बताइए? सरकार का। बैंक का स्टाफ किसका नौकर है? सरकार का। नहीं, प्रोफेसर करने वाले किसका नौकर है? किसी का नहीं। एम्प्लॉयमेंट में रोजगार किसी न किसी रूप में नौकर होता है, चाहे वो सरकार का हो या पब्लिक का हो। तो इसका एक फायदा भी है बाबा, इसको कोई रिस्क नहीं होता। जिस तरह से कि कोरोना अभी चल रहा था, तो अभी है ही, तो प्रोफेशन वाले लोग बाबा किए, बिजनेसमैन को इनकम नहीं हुई, मगर जो रोजगार वाले लोग हैं उनको तो महीना मिला। सरकारी सेक्टर की बात में कर रहा हूँ, तो उनको पेमेंट मिला ना, तो ये उनको रिस्क जीरो होता है। ये दूसरों के लिए सेवा करते हैं,
मैं इनको उस सेवा के तत्काल बाद पैसा नहीं मिलता, पैसा उनको मिलेगा जिन्होंने इनको नौकरी पर रखा। व्यक्ति का सेवा पर्सनल सर्विस अर्थात कर्मचारी की सेवा स्वयं ही प्रदान करनी होती है, अर्थात वो अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की सेवा नहीं करवा सकता। जैसे उसका मन काम करने का नहीं हो तो काम उसका सीट खाली रहेगा, अपने बजाय दूसरे चाचा को नहीं भेज सकता। समझौता, इसमें काम देने वाला और काम करने वाला दोनों के बीच एक समझौता हो जा होता है, जिसमें वेतन फीस कमीशन आदि के बारे में भी चर्चा होती है। सर्वे नौकर, सर्वे कर्मचारी अपने स्वामी का नौकर होता है और उसके कहे अनुसार उसको काम करना होता है। पूंजी की आवश्यकता, इसमें कैपिटल नहीं लगता है और जोखिम इसमें नहीं होती है। याद रखिए, लिखता है इनमें से किसमें जोखिम सबसे कम है, मैं किसमें रिस्क सबसे कम है, आपको देगा आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन एंड बिजनेस, इनमें से सभी या नहीं, तो आपको लिखना है सबसे जीरो जो रिस्क होता है वो नौकरी में होता है। हालांकि अभी देखा और नया नौकरी में रिस्क आ ही गया है, लोग को हटा देता है नौकरी से, पुराना हुआ तुम कल से नहीं आना, भैया हम कल से कहाँ जाएंगे, आपके यहाँ सर्विस दी है ना। ऐसे मालिक के प्रति कर्मचारी का समर्पण कम हो जाता है, जो कहता है कल से तुम नहीं आना, ठीक है। चल तो आप क्या चीज़ों समझ गए। एक क्वेश्चन है, व्यवसाय पेशा और रोजगार में क्या अंतर है। एक नॉर्मल तो समझिए, बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होता है, प्रोफेशन में रिस्क उससे कम होता है, रोजगार में रिस्क नहीं होता है। तीसरा, व्यवसाय में लाभ होता है, प्रोफेशन में आय होता है और नौकरी में वेतन मिलता है, लाभ नहीं होता नहीं। दूसरा, बिजनेस में पूंजी लगता है और पेशा में इसकी नामात्र पूंजी लगती है और रोजगार में पूंजी साफ नहीं लगता। योग्यताएँ, व्यवसाय करने के लिए योग्यता की जरूरी नहीं है, पेशा करने के लिए औपचारिक योग्यता चाहिए और रोजगार करने के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए सभी रोजगार के लिए अलग अलग योग्यताएँ हैं, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट, व्यवसाय के लिए कोई आचार संहिता नहीं है, पेशे के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, और इसमें प्रोफेशन में इसमें आचार संहिता के स्थान पर अनुबंध एग्रीमेंट होता है। चलिए तो अब तो इतना बात समझ गए, आइए व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, 2 मिनट बताते हैं, याद कर लीजिए, 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हम नहीं बनाना चाहते हैं इसका। व्यवसाय का जो ऑब्जेक्ट होता है, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट होता है, एक सोशल ऑब्जेक्ट होता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वो लाभ भी कमाना चाहता है, तभी आपके समाज में आ रहेगा। जैसे पहला होता है इसका प्रॉफिट मेकिंग करना, इसका पार्ट है इकोनॉमिक वर्ल्ड में। बिजनेसमैन चाहता है कि लाभ कमाए और लाभ कमाने के लिए वस्तु खरीद बिक्री वो करता है। सेकेंड उसका होता है ग्राहक सृजन, वो कस्टमर को तोड़ना नहीं चाहता, वो कस्टमर को बनाना चाहता है। और नंबर थर्ड में कहता है इनोवेशन, नव प्रवर्तन करना। नव प्रवर्तन का मतलब होता है नया नया व्यवस्था सोचता है, नया नया सृजन करता है, इसे हम इनोवेशन कहते हैं। व्यवसाय का यह इकोनॉमिक वर्क है, यानी आर्थिक क्रिया है। आपको आपको समझना चाहिए कि हर बिजनेसमैन क्या चाहता है, कि उसकी बिजनेस लंबे समय तक जीवित रहे। तो लंबे समय तक जीवित कैसे रहेगा, जब वो लंबे दिन के लिए काम करेगा नहीं, समाज के वर्ग को सम्मान देगा, तब तक समाज उसको भी सम्मान देगा। हम किसी को सम्मान नहीं करेंगे, कोई हम ही को केवल सम्मान करे, ऐसा नहीं होता। दूसरे को जी बोलेंगे तब वो हमको जी बोलेंगे, ठीक है। दूसरा होता है जिसका नाम है सोशल ऑब्जेक्टिव में देखेंगे, उच्च किस्म की वस्तु उचित मूल्य पर। अगर आप बिजनेसमैन हैं, हाई लेवल की हाई क्वांटिटी की वस्तु लाइए और अपने एम्प्लॉय अपने ग्राहक को कम कीमत पर यानी उचित कीमत पर दीजिए, ये काम आ जाइए। समाज के विकास में कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी डेवलपमेंट, समाज के विकास में योगदान कीजिए। समाज के विकास में योगदान का मतलब होता है कि समाज, कोई व्यवसाय कहाँ जन्म लेता है, समाज जन्म लेता है, मैंने ये सोशल एनिमल सुनिएगा ना, और फलता फूलता है, जिससे उसका विकास में उसे निश्चित रूप से योगदान होना चाहिए। पुस्तकालय, चिकित्सालय, स्कूल आदि में भी आपको दान करना होगा। पेड़ पौधा लगाइए ताकि समाज को भी ऑक्सीजन मिले और आपको भी मिले। अगर आप ज़्यादा कमाते हैं तो आपके प्रति ज़्यादा जिम्मेवारी भी है। विनियोजकों को प्राप्त लाभ, फेयर रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स, आपसे इन्वेस्टर जो आपके पैसे लगाए उनको भी लाभ होना चाहिए। रोजगार उपलब्ध कराना, आप जिस एरिया में जीते हैं वहीं के एरिया के लोग काम दीजिए ताकि उनको भी रोजगार मिले, उनका भी जीवन स्तर बढ़िया हो, ठीक है। तो आइए व्यवसाय की भूमिका रोजगार समझ गए। इसे कौन कौन क्वेश्चन पढ़ना चाहिए आदमी को, पढ़िए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिख लीजिएगा, प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट एंड रोजगार दोनों में क्या अंतर है। मानव की आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक वर्क और नॉन इकोनॉमिक वर्क किसे कहते हैं। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट अलग लिखिएगा, रोजगार क्या, पेशा क्या, प्रोफेशन तीनों का डेफिनेशन लिख लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बुक में है दो चार याद रखिएगा।
सेकेंड हम लोग इसका एक टॉपिक लेके आएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, वेरी वेरी थैंक यू, शेयर जरूर करिएगा।